and it and many more. तो कैसे हैं आप सब लोग? Hope you all are doing very good. आज मैं आ गई हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगी हेयर केयर टिप्स. चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से मैं आपको टिप्स बताती हूँ और उसके साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा हेयर मास्क बताऊंगी जो आपके बालों को स्मूथ, शाइनी, ब्राइट और सब कुछ कर देगा. तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा जी. तो सबसे फर्स्ट टिप हमारे पास क्या है? वो ये है कि आप लोग को अपने स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखना है. किसकी हेल्प से? हेयर ऑयल की हेल्प से. जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दियों में हमारा स्कैल्प जो है वो ड्राई हो जाता है, इची हो जाता है. किसकी वजह से? कि मॉइस्चर जो है वो हमारे स्कैल्प से खत्म होने लगता है. तो क्या करना है हमें इसके लिए? हमें ये करना है कि हमने कोई भी ऑयल जो हम यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सरसों का, जो भी हम ऑयल यूज करते हैं, उसको माइक्रोवेव में आप लोगों ने 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा गर्म करना है. उसके बाद थोड़ी देर आप लोगों ने रख के अपने हेयर का अच्छे से मसाज करना है. मसाज से क्या होगा? आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपके हेयर्स की ग्रोथ होगी, डैंड्रफ खत्म होगा और हेयर फॉल भी खत्म हो जाएगा. चले जी, तो अब मैं आप लोगों को टिप नंबर 2 बताती हूँ. टिप नंबर 2 हमारे पास क्या है कि आप लोगों ने अपने हेयर को 3-4 बार वीक में वॉश नहीं करना है. उससे क्या होता है कि आप लोगों का नेचुरल ऑयल जो होता है हेयर्स का, वो खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल ही चला जाता है. क्योंकि शैम्पूज में जाहिर है बहुत से केमिकल्स होते हैं जो आप लोगों के स्कैल्प को ड्राई करते हैं, इची बनाते हैं और आपकी मॉइस्चर को भी, स्कैल्प के मॉइस्चर को खत्म कर देते हैं. आप लोगों ने रोज शैम्पू नहीं करना है, वीक में 2 बार आप लोग अपना शैम्पू यूज किया कीजिए. तो हमारी थर्ड टिप क्या है कि हम लोगों ने गर्म पानी से अपने बाल कभी नहीं धोने हैं. इससे क्या होता है? हमारा नेचुरल ऑयल बिल्कुल चला जाता है बालों का. अपने बालों को आप लोग नॉर्मल वाटर से ही धोया कीजिए. सर्दी हो या गर्मी हो, नॉर्मल वाटर से ही अपने हेयर्स को वॉश किया कीजिए. गर्म पानी से आप लोगों ने सर्दियों में अपने बाल जो है वो वॉश नहीं करने हैं. आप लोगों का नेचुरल ऑयल जो है बालों का वो खत्म हो जाएगा. उससे क्या होगा? आप लोगों के बाल जो है ड्राई हो जाएंगे. जी, तो हमारी टिप नंबर 4 क्या है कि आप लोग हेल्दी खाएंगे तो आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे. सबसे पहले आप लोगों ने अपनी डाइट में ऐसे खानों को ऐड करना है जिसमें प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, विटामिंस हो, जैसे कि कैरेट्स, एग और पम्पकिन, बेरीज. और इसके अलावा वेजीज आप लोगों ने ग्रीन लीव्स वाली खानी है, जिस जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो आप लोगों ने लेने हैं अपनी डाइट में. उसके अलावा आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज जो है वो ज्यादा से ज्यादा कीजिए. उसके अलावा आप लोग मीट वगैरह खाइए जो आपकी बॉडी और हेयर्स दोनों को हेल्दी कर देगा. अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप नंबर 5 हमारे पास क्या है कि आप लोगों ने वीकली हेयर मास्क ट्रीटमेंट लाजमी करना है. उससे क्या होता है कि आपके बाल जो है वो मॉइस्चराइज रहते हैं, आपके हेयर जो है वो हेल्दी हो जाते हैं और नरिश भी रहते हैं. आप लोग अपना हेयर मास्क जो है वो घर में बना रहे हैं तो आप लोग इन चीजों को लाजमी यूज किया कीजिए जो मैं आपको आगे बता रही हूँ. फर्स्ट हमारे पास है एग, उसके बाद है ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो भी आप ऑयल यूज करते हैं उसको अपने मास्क में लाजमी शामिल करें. उसके अलावा आप लोग के पास है हनी, ग्लिसरीन, एलोवेरा, बनाना, दही, ये सब अपने मास्क में आप लोग लाजमी शामिल किया कीजिए. ये सब आपके बाल को मॉइस्चराइज रखेगा, उसको हेल्दी बनाएगा, शाइनी बनाएगा और नरिश भी करेगा. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने हेयर मास्क के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ.